नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। सुप्रीम कोर्ट ने आज दो बड़े फैसले सुनाए हैं। पहला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे सरकार को आज राहत मिल गई है। शिवसेना विवाद पर आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने अपना फैसला दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को हटाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते और फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो उनकी सरकार बहाल हो सकती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला गलत था। बज गई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। बजे ढोल, पटाखे फूटे, मिठाइयां बटी। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और इस फैसले में शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उद्धव इस्तीफा न देते, फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो उनकी सरकार बहाल हो सकती थी। 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर पर छोड़ा। फैसला आते ही एनडीटीवी से बात करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे बोले, हमारी सरकार को असंवैधानिक कहने वालों को करारा जवाब मिला है। जब सरकार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाए तब नैतिकता कहा गई थी, इसलिए ये नैतिकता का मुद्दा बनाना ये सिर्फ अपने बचाव के लिए बोल रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खूब खरी खरी भी सुनाई। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा सदन में विधायकों के शक्ति परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप की नियुक्ति का फैसला गलत था। The decision of the speaker recognizing Mr. Gogavle as the chief whip of the Shiv Sena is illegal. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा नैतिकता की जीत हुई, शिंदे इस्तीफा दें। नैतिकता अगर देखे तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? आज तो मतलब महाराष्ट्र में आप सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए जैसे मैंने दिया। फडणवीस ने जवाब दिया, नैतिकता का पाठ उद्धव ठाकरे न पढ़ाएं तो अच्छा। नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तत्कालीन राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि उनका नाम महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज रहेगा। राज्यपाल किसी छुट्टी सी के लिए जाते तो उत्तम उदाहरण। The communication expressing discontent on the part of some MLAs is not sufficient for the governor to call for a floor test. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर सफाई देते हुए पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा सोच समझकर फ्लोर टेस्ट का फैसला लिया था। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस का काम है, ये मेरा काम नहीं है। शिंदे फडणवीस सरकार को राहत तो मिली है लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों पर निलंबन की तलवार अब भी लटकी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज नहीं किया है बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को उस पर जल्द फैसला लेने को कहा है। दिल्ली से आशीष भार्गव और मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच 8 साल से जारी घमासान में सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत दिल्ली सरकार को मिली है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया कि अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और पूरा नियंत्रण चुनी हुई सरकार के अधिकार में होगा और कानून व्यवस्था, पुलिस, केंद्र सरकार का अधिकार। एलजी दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करने को बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में भी आ गई है। दिल्ली के
सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव को बदलने का आदेश जारी किया। आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटा दिया गया है और अनिल कुमार सिंह को दिल्ली का नया सेवा सचिव नियुक्त किया गया है। ये हम चाहते हैं दिल्ली, जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। मैं देखता हूं कि कई ऐसी पोस्ट्स हैं जिनकी जरूरत नहीं है, उनमें कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बैठ के जनता की चार अड़चने ही लगाता है, अगर वो ना रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसी पोस्ट्स को चिन्हित करके या तो उन्हें खाली छोड़ा जाएगा या उन्हें अबॉलिश कर दिया जाएगा। जहां जहां ज्यादा पोस्ट्स की जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट्स क्रिएट की जाएंगी, जहां जहां लोगों को जरूरत है वहां ज्यादा पोस्ट, जैसे अब इतने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं तो जब डॉक्टर्स की जरूरत है, पैरामेडिक्स, वहां और क्रिएट किए जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्कूल अस्पताल में एक मॉडल दिया, अब पंजाब के अंदर हम एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था लागू कर रहे हैं, उसी तरह से दिल्ली अब कुशल प्रशासन का एक मॉडल पूरे देश के सामने देगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। इसके बाद आज नवीन पटनायक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है, बीजेडी विपक्षी एकता की मुहिम में नहीं है। नवीन पटनायक ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं और इसी के मद्देनजर आज उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी जो कर रही है वो देश हित में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एक हों, सबकी सहमति भी हो रही है। वहीं शरद पवार ने कहा कि प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है और हम इसका समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राजनीति में मतभेद होते रहते हैं लेकिन हमें इस देश को बचाना है। और अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत आज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनके रिहाई के भी आदेश दिए हैं। तो फिलहाल आज बताया जा रहा है कि इमरान खान को कल तक पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। कल उन्हें हाईकोर्ट में भी पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी हुई वह अपमानजनक है, सरेंडर के वक्त गिरफ्तारी गैरकानूनी है। इमरान खान को आज कोर्ट परिसर में उस गेट से अंदर ले जाया गया जिससे जज आते हैं। बहरहाल इमरान खान की पार्टी के समर्थकों में जश्न का माहौल है। कोर्ट से ही इमरान खान ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। इमरान के समर्थकों ने इस बात को लेकर गुस्सा उनमें था कि जिस तरह से इमरान को घसीटते हुए गिरफ्तार किया था। इमरान ने कहा कि मुझे पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और आतंकी की तरह गिरफ्तार किया गया, मेरी गिरफ्तारी के लिए कमांडो कार्रवाई हुई। इमरान खान ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है कि वो देश में अराजकता नहीं चाहते हैं, सिर्फ चुनाव चाहते हैं। इमरान खान को कल हाईकोर्ट में, जैसा हमने आपको बताया, पेश किया जाना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। चीफ जस्टिस के परिवार को पीटीआई से जोड़ते हुए मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और तंज भी कसा है। शायद आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह है। तो उमा, इस समय क्या हाल है पाकिस्तान का, क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए, जैसा कि आपने कहा, माफ कीजिएगा मुझे, मेरे कान में इको आ रही है। हाँ,
जैसा कि आपने कहा कि मरियम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठाया है और सवाल जो है गंभीर उठाया है। जो पाकिस्तान के जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी ही, रिहाई का आदेश तो दिया ही है, साथ ही साथ कल तक उनको जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहने की बात की है सुरक्षा के हवाले से, उसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तहरीर में जब तक कोई व्यक्ति रहता है फिर से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट से गिरफ्तारी हुई, हाई कोर्ट रूम से गिरफ्तारी हुई, उसको तो गैरकानूनी करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलते फिर से इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इस अंदेशे को खत्म करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि कल तक वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रहेंगे और कल हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वहां से शुरू होगी, जैसा कि दो दिन पहले वहां पर हुआ था। तो अब जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट पहले एक फैसला दे चुका है, गैरकानूनी मानने से इनकार कर चुका है। हालांकि हाई कोर्ट के जस्टिस ने यह कहा था कि जिस तरीके से वहां से उठाकर ले जाया गया वो गलत था, ये हाई कोर्ट के जस्टिस ने भी कहा था। लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब ये मामला कल हाई कोर्ट में जाता है और फिर वहीं से कार्रवाई शुरू होती है तो फिर कैसे ये आगे बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट भी इमरान खान की गिरफ्तारी को अगर संवैधानिक करार देता है, गैर वैधानिक करार देता है, तो फिर क्या ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि वहां से जब इमरान खान बाहर निकलें तो जो नैब है वो फिर उनको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वारंट जो है उसको खारिज नहीं किया गया है। लेकिन एक आखिरी पेंच इसमें यह भी है कि जिस तरीके से पीटीआई वर्कर्स को इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है हाई कोर्ट में, तो वहां बड़ी तादाद अगर होगी समर्थकों की तो शायद रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तारी जैसी सूरत हाल ना हो, लेकिन कल भी एक टकराव की स्थिति बन सकती है जिस तरीके से मामला वहां पर कानूनी तौर पर आगे बढ़ा है और जिस तरीके से सड़कों पर मामला आगे बढ़ा है। हालांकि इमरान खान ने अपील जरूर की है अपने वर्कर्स से कि वो हिंसा ना करें, लेकिन अगर कल फिर से गिरफ्तारी की कोशिश होती है तो मामला हाथ से निकल सकता है। बिल्कुल उमा, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि शांति बनी रहे पाकिस्तान में। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल नजदीक आज तड़के फिर से धमाका हुआ है। एक हफ्ते में स्वर्ण मंदिर के करीब हुआ ये तीसरा धमाका था। पंजाब पुलिस ने इन धमाकों में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट। सीसीटीवी में नजर आ रहा ये शख्स अमृतसर में हुए 3 धमाकों को अंजाम देने में शामिल था। ये अमृतसर में जो हाल के दिनों में जो 3 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स हुए थे, पंजाब पुलिस ने दावा किया है कि उसने इन धमाकों के पीछे का एक बड़ा षड्यंत्र बेनकाब किया। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हमने 5 लोगों को हिरासत में लिया। इनके नाम आजादवीर सिंह, अमरीक सिंह, साहेब सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह हैं। इनमें से 3 ने विस्फोटकों का प्रबंध किया था। एक महिला से भी पूछताछ की जा रही है। हमने एक साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी, सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन डेटा से हमने इनकी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली है और इसकी हम डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनके लिंकेजेस जो इनके टेलीफोन फोरेंसिकली एग्जामिन कराएंगे, इनके एसोसिएट्स के बारे में पता करेंगे इंडिया या अब्रॉड में, और इसको सारे एंगल्स को हम एक SIT कॉन्स्टिट्यूट करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी आजादवीर सिंह और अमरीक सिंह ने IED असेंबल की थी। फॉरेंसिक जांच में पता चला है कि विस्फोटक में क्लोराइड ब्रोमाइड मिक्सचर ऑफ सल्फर था। एक्सप्लोजिव को 2 कंटेनर व टिफिन में भरा गया था। तकरीबन 200 ग्राम एक्सप्लोजिव था जो पटाखे बनाने में काम आता है। इस हेरिटेज स्ट्रीट की पार्किंग बिल्डिंग के समीप इसे रखा गया था और 6 मई को इसमें पहला धमाका किया गया। पुलिस जहां इस मामले में अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष के विक्रम मजीठिया ने धमाकों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करा है। पंजाब पुलिस सूत्रों की माने तो ये सभी आरोपी रेडिकलाइज्ड हैं। अमृतपाल गिरफ्तारी के बाद ये लोग एक्टिव हो गए थे। अब पंजाब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इन आरोपियों के तार ISI से भी जुड़े हैं। अमृतसर और नई दिल्ली में मनोज के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस खबर के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।